वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछली क्लास के अंदर हम लोग जो है क्लास 8 के चैप्टर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के साथ साथ पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन भी कर चुके हैं अपनी रिव्यू क्लास के अंदर, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 8 के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लास 8 के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो नए दिन के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो कोल एंड पेट्रोलियम, इस चैप्टर के अंदर हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अब इस इंट्रोडक्शन को अपनी रियल लाइफ से थोड़ा सा जोड़कर चलेंगे, ठीक है। देखो, हम लोगों को पूरे दिन के अंदर अपनी बेसिक जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करना पड़ता है ना। अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं, एंड सम ऑफ दीज मटेरियल आर फाउंड इन नेचर, नेचर में मिल जाते हैं, सम दे हैव बीन फाउंड बाय द ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस एफर्ट्स लगाकर जो है कुछ चीजों को बनाते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर। फाउंड इन नेचर, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, एंड अदर सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। ओके, सो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस अपने एफर्ट्स लगाकर जो है फॉर्म करते हैं। सो देखो, यहां पर हम लोगों ने बात की कि हम लोगों को नेचर से मिल रही है कोई सब्सटेंस, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो नेचर से मिल रहे हैं, लाइक हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल इसकी हो सकते हैं एयर, वाटर, मिनरल्स। ये सभी हम लोग को कहां से मिल रही है, वाटर, मिनरल्स हमें मिल रहे हैं कहां से, ये हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये कैसे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें नेचर से मिलते हैं वो कैसे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, सो यहां पर हमारे एयर, वाटर, मिनरल्स, दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये ब्रॉडली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज का नाम क्या क्या है, वन इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड अदर इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, वन इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, मतलब कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड है टू कैटेगरीज के अंदर, टू ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर, दैट आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो व्हाट एक्चुअली इज इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एन यू नो अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑन द एटमोस्फेयर, हमारे अर्थ के अंदर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। उसी के साथ साथ जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो इन रिसोर्सेज को कभी भी जो है खत्म नहीं कर सकती, तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, नेचर के अंदर जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये इनको बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकती, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनके अगर एग्जांपल लेनी हो तो क्या होगा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, चाहे जितना ही ह्यूमंस उसे यूज करें, कोई भी उसे बहुत ज्यादा यूज कर ले, पर ये कभी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हमारे एटमोस्फेयर के अंदर, जैसे कि हमारी सनलाइट हो गई, सनलाइट कभी भी खत्म नहीं होगी चाहे हम जितना ही उसे यूज कर ले, ठीक है, या फिर हमारी एयर हो गई, एयर भी कभी भी खत्म नहीं होती, दैट इज व्हाई दे आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होंगे, दीज आर द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन
इन नेचर, नेचर के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है एंड आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है ये खत्म हो सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड आवर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारी, वॉटर, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अवर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो हमें पता चल गया हम लोग अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस अपने एफर्ट से बनाते हैं. अब ऐसे मटेरियल्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कह दिया जाता है. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, विच इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से कभी वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, इनको हम लोग इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जस्ट लाइक अवर सनलाइट एंड एयर. और उसी के साथ साथ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है और एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से. इनकी एग्जाम्पल हो जाएगी वाटर, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पेट्रोलियम. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अवर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो अगर हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स आ रही है. ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की. सो एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या क्या थे हमारे पास, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, हमारे जो है नेचुरल गैसेस हो गए. क्या क्या एग्जाम्पल थे हमारे पास एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं किसके, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के, जो कि हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो ये जितने भी हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली कैसे बनते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं, सो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आफ्टर डेथ, जो उनकी रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं, रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स रह जाते हैं, उनको उन्हीं से जो है हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फॉसिल्स से फॉर्मेशन होती है. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको क्या कह दिया जाता है, फॉसिल्स कह दिया जाता है. ठीक है, फॉसिल्स कह दिया जाता है, मतलब इनकी फॉर्मेशन किससे हो रही है, फॉसिल्स से, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स आल्सो. ठीक है, इनको क्या कह दिया जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स कह दिया जाएगा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को. ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट दी कोल. कोल के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, कोल की प्रोसेसिंग से क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो भी आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कोल के बारे में, सो कोल क्या है, आई थिंक हम सब ने कोल के बारे में सुना हुआ है, हम सब ने देखा भी होगा, मे बी कईयों ने नहीं देखा हो पर हमने सुना जरूर होगा, बुक्स में भी हमने पढ़ा होगा कोल के बारे में. सो कोल होता क्या है एक्चुअली, सो कोल क्या है, देखो एक स्टोन काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, स्टोन जैसा ही हार्ड होता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर होता है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कोल क्या है, इट इज हार्ड, जस्ट हार्ड लाइक स्टोन, स्टोन जैसे हार्ड है एंड इज ऑफ डार्क ब्लैक कलर. ठीक है, कौन से कलर का होता है हमारा कोल, ब्लैक कलर का होता है. अब देखो अगर हम लोग कोल को देखें तो एक ऐसा फ्यूल है जो कि पुराने टाइम पर फूड बनाने के लिए जो है यूज किया जाता था, कुकिंग के लिए यूज किया जाता था कोल. और उसी के साथ साथ हम लोग जो है कोल को कहां यूज करते थे, कुकिंग के लिए यूज करते थे या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते थे और इवन की रेलवे इंजन के अंदर यूज किया जाता था, स्टीम इंजन के अंदर स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, कुकिंग के
किया जाता था कोल को, उसी के साथ साथ कोल को यूज किया जाता था इन इंजन्स। ठीक है, ट्रेन के अंदर जो है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता था इन्हें, और उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी हम लोग जो है फ्यूल का, कोल का यूज करते थे, और इसको हम लोग जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इन्हें जो है फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता था कोल को। अब देखो, हमें इतना तो पता चल गया कि कोल क्या है, एक हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस है जो कि डार्क ब्लैक कलर का होता है, और इसको यूज किया जाता था पुराने टाइम में कुकिंग के लिए, स्टीम इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है ट्रेन के अंदर, और इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये बात तो हमें पता चल गई कोल के बारे में, बट एक्चुअली From where we get coal and from and how it is formed, जो हमारा coal है कहां से आया, कहां से हमें मिलता है और ये बनता कैसे है। ठीक है, so our next topic is where do we get coal and from where it is formed, कैसे बना हमारा coal? Okay, ये बात को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोल कहां से आया और कैसे बना, इस चीज के बारे में अगर हमें जानना, तो एक छोटी सी स्टोरी हम लोग कह सकते हैं कोल की स्टोरी, उसे हमें जो है डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोग भी क्या देखेंगे, स्टोरी ऑफ कोल, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज स्टोरीज हमेशा इंटरेस्टिंग होती है ना। अब देखो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे। ठीक है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो आवर अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन द लोअर लाइनिंग वाटरलैंड एरियाज। ठीक है, तो अब देखो, ये फॉरेस्ट जो थे ड्यू टू सम ऑफ द नेचुरल फिनोमिनास, कुछ ऐसे फिनोमिनास हुए जिसकी वजह से जो है सोइल की एक परत जो होती है ना, सोइल की लेयर पूरे डेजर्ट, पूरे जो फॉरेस्ट थे उनको कवर कर लिया उन्होंने, पूरे फॉरेस्ट जो है सैंड के नीचे दब गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, उन फॉरेस्ट के ऊपर जो है सैंड की लेयर्स आती गई आती गई आती गई, और हमारे जो फॉरेस्ट थे वो कंप्रेस होते गए होते गए। अब जब हमारे फॉरेस्ट कंप्रेस हो रहे थे तो इनका टेम्परेचर राइज हो रहा था, एंड दे यू नो सेंट डाउन एंड डाउन, और क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और उसी के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो हमारे फॉरेस्ट थे इट गेट कन्वर्टेड इंटू कोल, फॉरेस्ट जो थे कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, है ना। तो क्या हुआ था, 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, बट कुछ फिनोमिनाज ऐसे हुए, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज की वजह से हमारे फॉरेस्ट जो है लेयर्स ऑफ सॉइल के नीचे दब गए, और बहुत ज्यादा लेयर्स जब उसके ऊपर आती गई तो वो कंप्रेस होते गए, टेम्परेचर हाई हो गया और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई हो गया। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो हमारे प्लांट्स थे, जो हमारे ट्रीज थे, सॉरी ट्रीज जो है कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। सो एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो कोल क्या है, कार्बन ही तो है, कोल इज अ कार्बन। अब देखो, एक प्रोसेस चल रहा है ना, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वी कैन से द डेड वेजिएशन इनटू व्हाट, इनटू कोल इज कॉल्ड व्हाट, इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, इस प्रोसेस को कह दिया जाता है कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिएशन इनटू सॉरी कोल इज कॉल्ड आवर कार्बोनाइजेशन, इसी को कार्बोनाइजेशन कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हम लोग अगर देखें तो वेजिटेशन क्या है, इट इज एक्चुअली फॉसिल्स, है ना, तो फॉसिल से ही बनने वाला है हमारा कोल, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं हम लोग इसको। अब हमारे फॉसिल फ्यूल कोल जो है, इसको अगर हम लोग एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज,
करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होगी, जब हम लोग कोल को हीट करेंगे मतलब बर्न करेंगे एयर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो कोल था इसको इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस किया गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो क्या क्या सब्सटेंस फॉर्म हुए, कोल टार और कोल गैस, ये कुछ सब्सटेंसेस थे जो कि फॉर्मेशन हुई बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल इनटू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जब कोल की हम लोगों ने प्रोसेसिंग की तो हमारे पास कुछ सब्सटेंस आए। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारे कोल से ही ऑब्टेन होने वाले सब्सटेंसेस हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, हमारे कॉक क्या है, कोल टार क्या है, कोल गैसेस क्या है, ठीक है, और कहां कहां इन्हें यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉक। सो हमारा कॉक क्या है, एक्चुअली इट इज अ टफ कोरस इन ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, क्या है, इट इज टफ porous and black substance, एकदम डार्क ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और जो हमारा कोक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसको कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें। और कॉक को यूज कहां कहां किया जाता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है हमारे कोल को, और फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स, मेटल के एक्सक्रीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉक की बात हो गई। व्हाट इज कॉक, एक टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है, प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, एंड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स के लिए भी हमारा जो है कॉक हेल्प करता है। देन आ जाता है हमारा कोल टार। व्हाट इज कोल टार, सो कोल टार इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आवर कोल, कोल से ही ऑब्टेन हो रही है। सो एक्चुअली ये है क्या, इट इज अ यू नो कोल टार हमारी एक ब्लैक थिन लिक्विड है और जिसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल होगी, ब्लैक थिक लिक्विड विच हैव वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट सी स्मेल होगी हमारी कोल टार की। ठीक है, अगर हम लोग कोल टार की बात करें तो इट इज द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती है हमारे कोल टार। अगर कोल टार की एक और बात कर ले तो कोल टार से बने हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं, कोल टार के जो प्रोडक्ट होते हैं, दिस यूज्ड एज इनिशियल मटेरियल फॉर मेनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीजों के लिए ये इनिशियल मटेरियल की तरह हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे सिंथेटिक डाइज हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, ये सभी जो चीजें हैं ये हमारे कहां से आते हैं, ये हमारे कोल टार से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसी वही इसके इनिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं ना। ये सब चीजें हम लोग डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और इंडस्ट्रीज में जो है इनिशियल प्रोडक्ट के तौर पे कोल टार के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। ओके, सो ये हमारे कोल टार की बात हो गई। अब देखो कोल टार का यूज हम लोग एक और जगह पर करते हैं, जो रोड्स होते हैं उसके ऊपर, उनको ठीक करने के लिए, है ना। बट आजकल जो है बिटुमिन का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कोल टार, कोल टार की जगह आजकल बिटुमिन को यूज कर रहे हैं। और बिटुमिन क्या है, इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिटुमिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सो बिटुमिन क्या है, इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि रोड्स को मेटलिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर कोल टार। देन हम लोग देख लेते हैं अबाउट कोल गैस। सो व्हाट इज कोल गैस,
अगर हम लोग कोल गैस की बात करें तो कोल गैस कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोल इनटू कॉक। जब हम लोग कोल को कॉक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसी प्रोसेस के दौरान जो है हमारे पास एक सब्सटेंस आता है दैट इज कोल गैस। एंड इसको कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है मैनी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो की हमारे कोल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पास होती है वहीं पर इनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अब देखो हम लोग कोल गैस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात डिस्कस कर ले। जो हमारी कोल गैस है इसको स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज किया जाता था पहले, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए। सो 1810 के अंदर इसको सबसे पहले लंदन के अंदर यूज किया गया था एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग, और उसके बाद 1820 के अंदर इसको यूज किया गया था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसको जो है स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज किया गया था। बट नाउअडेज इसको कहा किस लिए यूज किया जाता है? एज अ सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज किया जाता है आजकल, ना कि लाइटनिंग की तरह यूज किया जाता है। बट हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है कोल के बारे में, कोल के जो प्रोडक्ट है कोक, कोल टार और कोल गैस, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। हमारे कोल के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने जाना है ना, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने जो है कोल के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है पेट्रोलियम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।